अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट अ यूनिट नंबर 14 विच इज अबाउट मंकी सी मंकी डू। मंकी सी मीन्स मंकी देखता है एंड मंकी डू बंदर करता है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को इस यूनिट में जो जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे ताकि उनका माइंड रेडी हो सके कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कि फर्स्ट तस्वीर है वो ये है, यहाँ पे देखें फादर मदर बैठे हुए हैं और साथ में एक ब्रदर और सिस्टर बैठे हुए हैं। ऐसे कर रहे हैं जैसे वो लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा टाइटल तो बंदर के बारे में था कि बंदर देखता है और बंदर करता है, तो हो सकता है कि ये पूरी फैमिली जू जा रही हो सकता है ऐसे हो। जब हम बच्चों को सेकंड तस्वीर दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है जू, तो इससे बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि वो फैमिली कहाँ पे आई है, जू आई है। और यहाँ पे देखे वो बंदरों के साथ कोई बातें कर रहे हैं, तो इनको आइडिया हो जाएगा कि जो आज का हम यूनिट पढ़ेंगे वो फैमिली कहाँ जाएगी, जू में जाएगी। और वहाँ पर मेन रोल क्या है, मंकीज का होगा। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है प्री रीडिंग। पढ़ने से पहले मतलब रीडिंग करने से पहले हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पे बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। आजू एक चिड़ियाघर इज है एक प्लेस जगह वेयर जहाँ पर एनिमल्स जानवर आर हैं कैप्ट रखे जाते हैं इन केजीज। कि चिड़ियाघर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है। डू यू थिंक आपके ख्याल में इट इज़ फेयर टू केज देम। कि आपके ख्याल में क्या इन्हें पिंजरों में बंद करना इंसाफ की बात है? कि आपके नज़दीक क्या है, आप क्या सोचते हैं कि क्या ठीक है कि जानवरों को इनके पिंजरों में रखा जाए? तो यहाँ पे बच्चे येस और नो में आंसर दे सकते हैं। जैसे हम इसका आंसर देंगे नो, नहीं, आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर टू केज देम। कि मेरा ख्याल नहीं कि इन्हें पिंजरे में बंद करना इंसाफ की बात है। इंस्टेड दे शुड बी केप्ट फ्री, के इनकी बजाय इन्हें फ्री या फिर आज़ाद रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो डेंजरस है, जैसे लाइन वगैरह, तो उनको हम केज वगैरह में रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हैं वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज, जो कि ये वर्ड्स हमारी स्टोरी से ही लिखे गए हैं, इनके सामने मीनिंग्स लिख दिए गए हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक साउंड के बारे में लिखा गया है, शमीर। शमीर सबसे पहले हमें पता चल गया जो कि हमारे पास फर्स्ट करेक्टर है उसका नाम क्या है, शमीर है। लेजीली सुस्ती भरे अंदाज में टैप्ड दबाया द बटन ऑन द अलार्म क्लॉक। कि शमीर ने सुस्ती भरे अंदाज में अलार्म क्लॉक का बटन दबाया। द बजिंग स्टॉप्ड, जो बिन बनाहट हो रही थी अलार्म क्लॉक की वो क्या थी, स्टॉप्ड, रुक गई। तो क्या थी, जो आवाज़ आ रही थी अलार्म क्लॉक के जब उसने बटन को दबाया तो वो बिन बनाहट क्या होगी, रुक गई। द बेडरूम ख्वाबगाह वास थी क्वाइट खामोश अगेन, दोबारा कि फिर से जो ख्वाबगाह थी उसमें खामोशी छा गई। क्या था, शमीर सोया हुआ था, बिल्कुल क्या था, खामोश थी इसके रूम में। लेकिन जैसे ही अलार्म क्लॉक बजा तो उसने क्या आवाज़ ये वाली की, तो उसने क्या किया, दोबारा उसे जो उसकी बजिंग साउंड थी उसे रोक दिया और दोबारा से खामोशी छा गई। शमीर रोल्ड ओवर, उसने दोबारा क्या किया, करवट बदल ली। ही उसने पुल्ड खींचा द कूल लहाफ को ओवर हिज हेड, अपने हेड सर से। कि इसने क्या किया, शमीर ने करवट बदली है, ठीक है, इसने लहाफ अपने सर पर खींच लिया। ही थॉट, इसने सोचा अबाउट के बारे में, डोजिंग सोने के ऑफ अगेन, डोजिंग ऑफ सोने के बारे में, अगेन फिर से, कि इसने फिर से सो जाने के बारे में सोचा। शमीर थ्री ऑफ इसने फेंका द क्विल्ट लहाफ एंड और सेट अप इन द बेड, और अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। व्हाट, क्या, एम आई थिंकिंग अबाउट, मैं क्या सोच रहा हूँ, ही सेट, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से, जैसे हम दिल में बात करते हैं वैसे, टू सेट टू हिमसेल्फ, कि उसने दिल में ही सोचा या फिर उसने खुद से कहा। इट्स संडे, कि आज इतवार है, नो स्कूल, आज स्कूल से छुट्टी है, यहाँ स्कूल नहीं है। वी आर गोइंग टू द जू, कि हम आज चिड़ियाघर जा रहे हैं। शमीर स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द बेड, कि उसने जल्दी से अपने बिस्तर से बाहर निकला है। एंड रेस्ट बागा है डाउन स्टेयर्स, नीचे, इन हिज पजामास, क्योंकि क्या किया उसने, शमीर जल्दी से अपने बिस्तर से निकला है और जल्दी से अपना वही पजामा बैठ के कहाँ पे, नीचे की तरफ वो भागा है। शमीर सिस्टर्न, जो अपोस्ट्रोफ पे लगा के एस लगाया जाता है, इसका मतलब का की के होता है, कि शमीर की बहन असमिया एंड और हिज पेरेंट्स, इसके वालिदैन मिसिस एंड मिस्टर एंड मिसिस खान वर दे हैविंग ब्रेकफास्ट, इसके वालिदैन मिस्टर और मिसिस खान नाश्ता कर रहे थे, ठीक है। जब वो नीचे आया सीढ़ियों से, वो जब नीचे आया तो उसने देखा कि उसकी सिस्टर उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, सुबह का नाश्ता कर रहे थे, जैसे कि हमें तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। आ शमीर, अब उसने कहा, और शमीर सेड मिसिस खान, मिसिस खान ने उसे कहा,
हैव यू फॉरगेटन, भूल गए हो वेयर, कहाँ वी आर गोइंग टूडे, क्या आप भूल गए हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। नो मोम, उसने कहा नहीं अम्मी सॉरी, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम लेट, कि मैं देर से हूँ। अब उसने क्या कहा कि देर से आने पर उसने क्या किया, माफ़ी चाहता हूँ, उसने अपनी अम्मी से कहा। रिप्लाइड, जवाब दिया शमीर, शमीर ने। टेकिंग, संभालते हुए, हिज प्लेस, अपनी जगह पर, मतलब बैठते हुए, एट द टेबल, टेबल पर जो उसकी सीट थी उस पर बैठते हुए या फिर उस पर उसे अपनी सीट को संभालते हुए उसने इसे जवाब दिया कि मैं माजरत ख्वाऊँ कि मैं लेट आया हूँ। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, ड्रेस्ड लाइक डैट, यही ड्रेस पहन के, क्या तुम यही कपड़े पहन कर जाओगे, आस्ट अजमिया, और क्या किया, अजमिया ने पूछा, अजमिया कौन थी, उसकी सिस्टर थी, उसने पूछा कि क्या आप यही ड्रेस पहन के जाओगे। हमने देखा ना कि वो क्या था, जल्दी से उठा और उसी ड्रेस में जो पजामास पहने हुए थे उसी वो नीचे आ गया है। If अगर यू आप गो जाएंगे, डैट लाइक, अगर आप इस तरह गए, सेट कहा मिस्टर खान ने, विद अ ग्रिन, प्लीज डोंट गेट टू क्लोज टू द ज़ेब्रा केज, कि अगर आप, अब क्या कि मिस्टर खान ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा है कि प्लीज़ मेहरबानी करके अगर आपने इसी ड्रेस में जाना है तो जो ज़ेब्रा है उसके केज या उसके पिंजरे के नज़दीक मत जाना, पीपल लोग माइट मिस्टेक यू फॉर वन ऑफ देम, कि लोगों को गलती होगी कि तुम इनमें से एक हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसने पजामास या ड्रेस पहना हुआ था वो क्या था, ब्लैक और वाइट लाइंस का था, जैसे ऐसे लग रहा था कि यही ज़ेब्रा हो। अजमिया गिगल्ड, वो खिलखिला के हंसी। मिसिस खान पुश्ड अ बॉल टुवर्ड्स शमीर, अब मिसिस खान ने क्या किया, एक रुकाबी शमीर की तरफ सरकाई है या फिर बॉल को उसकी तरफ किया कि ये इसमें से कुछ आप ले लो खाने के लिए। वेरी फनी, बड़ा मजाहिया डैड, रिप्लाइड शमीर, पासिंग अ पूरी ऑन हिज प्लेट, बड़ी मजाहिया बात है अबू, शमीर ने अपनी प्लेट पर एक पूरी रखते हुए जवाब दिया, आई चेंज आफ्टर ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ते के बाद अपने कपड़े बदल लूंगा। डोंट चेंज इन टू अ जिराफ, सेट अजमिया, कि कपड़े बदल कर जिराफा ना बन जाना, अजमिया ने कहा। अभी वो ज़ेब्रा बना हुआ था, उसने कहा कि ऐसे कपड़े मत पहन लेना कि जिससे आप अब जिराफे की तरह लगो। दे तमाम जो भी थे, आल तमाम, लाफ्ड एट हर जोक, और सब उसके मजाक पर हंस पड़े। ईट अप, ठीक है खाना खा लो प्लीज़, मेहरबानी करके, सेट कहा मिस्टर खान, मिस्टर खान ने कहा कि जल्दी से क्या कर लो, मेहरबानी करके सब खाना खा लो। अब मिस्टर खान ने उन्हें क्या कहा है, इफ़ अगर वी हम गेट देयर लेट, अगर हम वहाँ पहुँचने में देर होगी अगर हमें, इट विल बी टू हॉट, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इससे हमें ये भी एक आइडिया होता है, तो मे बी ये कब जा रहे हो, समर में जा रहे हो, सीज़न कौन सा हो सकता है, समर का हो सकता है क्योंकि गर्मी की बात हो रही है, ठीक है। द एनिमल्स, जो जानवर है, विल बी स्लीप, तो हो सकता है कि जानवर सो चुके होंगे, एंड और यू विल सी नथिंग, और तुम कुछ नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब मिस्टर खान जो के फादर थे उनके, उन्होंने क्या कहा कि जल्दी से खाना खाओ मेहरबानी करके, और फिर क्या होगा, अगर आप लेट करोगे तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी और जानवर सो जाएंगे, और सो जाने की वजह से हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। शमीर, शमीर फिनिश्ड, खत्म की उसने हिज पूरी, अपनी पूरी को, एंड और उसने क्या किया है, जो पूरी चना था उसे क्विकली, जल्दी से उसने उसे ख़त्म किया ताकि हम लेट ना हो, ठीक है। थैंक यू मम, उसने अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा किया है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया एज द रेस टू गेट चेंज, ठीक है, कि कपड़े बदलने के लिए भागते हुए वो चिल्लाया। अब उसने जल्दी से अपना सुबह का नाश्ता किया और जल्दी से वो चिल्लाता हुआ जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने के लिए गया है। यू आर वेलकम, तुम्हें खुशामदीद, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। एंड और लेटर, एक घंटे के बाद, द फैमिली, जो ये पूरा फैमिली थी, खानदान था, वर एट द जू, वो चिड़ियाघर पहुंच चुके थे। मिस्टर खान पार्क द कार, उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की। मिस्टर मिसिस खान बॉट द टिकट्स, और इसी तरह मिसिस खान ने टिकटें खरीदी। एंड द फोर ऑफ देम एंटर्ड द जू, और वो चारों चिड़ियाघर में दाखिल हो गए, ठीक है। एक घंटे के बाद क्या हुआ, पूरा जो फैमिली थी वो चिड़ियाघर में पहुंच गए। मिस्टर खान ने क्या किया, अपनी गाड़ी को पार्क किया है, और मिसिस खान ने क्या किया, टिकटें खरीदी हैं, और पूरे जो चार मेंबर थे जो ये वाले, वो सारे कहाँ पे पहुँच गए, चिड़ियाघर में पहुँच गए। द चिल्ड्रन, बच्चे वर थे एक्साइटेड, पुरजोश या खुश थे, कि बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। एंड हॉप्ड, फुदक रहे थे, अराउंड इट गिट लाइक मंकीज, बंदरों की तरह, के बच्चे बंदरों की तरह इधर उधर फुदक रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोश से बड़े हुए थे। नीचे हम बच्चों को दिखा सकते हैं उन्हें तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, कुछ और भी लोग हैं, ये पूरी फैमिली है, यहाँ पे मंकीज हैं और यहाँ पे ज़ेब्रा वगैरह भी दिखाया जा रहा है। इन फैक्ट, दर हकीकत, इट वॉज द मंकीज, के ये बंदर थे, डैट दे वॉन्टेड, वो चाहते थे टू सी द मोस्ट, कहते हैं कि दर हकीकत वो सबसे ज़्यादा इन्हें बंदरों को देखने का ज़्यादा ख्वाहिश थी, ठीक है, कि दे वॉन्टेड, वो चाहते थे या इनकी ख्वाहिश थी टू सी, देखना मोस्ट, सबसे ज़्यादा मंकीज, बंदरों को, कि इन्हें बंदरों को देखने की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी। द मंकीज, जो बंदर थे,
वार थे इनमें एक लार्ज बड़े से एरिया हिस्से में के बंदर एक बड़े से हिस्से में थे, जैसे हमें तस्वीर में नजर भी आ रहा है, ठीक है। फोर मंकीज जो चार बंदर थे वार थे सिटिंग बैठे हुए उन लोग एक तने पे, ठीक है। चार बंदर एक तने पर बैठे हुए थे। मिस्टर एंड मिसिस खान शमीर एंड अजमिया स्टूड इन अ रो के वो एक लाइन में खड़े हो गए इन फ्रंट ऑफ देम उनके सामने, जैसे कि हमें ऊपर नज़र भी आ रहा है कि ये सब क्या है एक कतार में इनके सामने खड़े हो गए हैं। लुक शमीर, देखो शमीर, सेड मिस्टर खान, मिस्टर खान ने कहा पॉइंटिंग इशारा करते हुए, डैट के वो वन लुक एग्जैक्टली बिल्कुल लाइक यू, तुम जैसा। अब उन्होंने इशारा करते कहा कि वो वाला देखो बिल्कुल तुम जैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब उसके साथ मजाक किया शमीर की तरह, ठीक है। इसका मतलब कि शमीर भी बंदरों की तरह उछलता कूदता होगा, टिक के नहीं बैठता होगा, इसलिए उसके फादर ने उसे क्या कहा कि बिल्कुल ये आपकी तरह का नजर आ रहा है। असमिया गिगल्ड, वो खिलखिला के हंसती है, शमीर गिगल टू और वो भी खिलखिला के हंसता है। एंड और द बिग वन लुक्स लाइक यू डैड ही रिप्लाइड, और बड़े वाला आप जैसा लग रहा है, किसने, उसने रिप्लाई किया, ही इज स्क्रैचिंग हिज हेड, वो अपने सर खुजा रहा है, जस्ट लाइक यू डू, कि उसने जो आप क्या दिया कि वो अपना सर आपकी ही तरह खुजा रहा है। अजमिया कुछ और हंसी, अजमिया गिगल्ड सम मोर, वो और ज़्यादा हंसी है क्योंकि उसने फिर ये मजाक किया, ठीक है। शमीर मेड अ फन फेस, अब उसने जैसे फनी फेस बनाते हैं, ठीक है, बंदरों को देखे तो उसने क्या किया, एक फनी सा उसने फेस बनाया है, ठीक है। द मंकीज जो बंदर थे मेड फनी फेसिस, और इसी तरह बंदर जो थे वो भी क्या कर रहे थे, मजाकिया शक्लें वगैरह बना रहे थे टू वो भी। इजेंट इट ऑड, क्या ये अजीब नहीं है, सैड मिसिस खान, मिसिस खान ने कहा। द मंकीज जो हैं डू वट वी डू, कि जो बंदर हैं वो करते हैं जो हम करते हैं, दे कॉपी अस, वो हमें नकल करते हैं, ठीक है। मिसिस खान ने कहा कि क्या अजीब बात नहीं है कि बंदर वही करते हैं जो हम करते हैं, ये हमारी बिल्कुल कॉपी करते हैं। यस, हाँ, एग्रीड, इतफाक करता हूँ, मिस्टर खान ने कहा, जी बिल्कुल मैं आपके साथ इतफाक करता हूँ। समटाइम्स बाज़ुकात ह्यूमंस लाइक आर लाइक डैड टू, कि बाज़ुकात इंसान भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। वट डू यू मीन डैड, आपका क्या मतलब है अबू, सेट शमीर, शमीर ने कहा। ह्यूमंस कॉपी, के इंसान नकल करते हैं। एक्सप्लेन, वजाहत की, मिस्टर खान, मिस्टर खान ने, समटाइम्स बाज़ुकात दे कॉपी अदर पीपल विद आउट अंडरस्टैंडिंग वाई दे आर डूइंग सो, कि बाज़ुकात दूसरे लोगों की नकल करते हैं ये समझे बगैर कि वो वैसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, के मुझे अभी भी समझ नहीं आई, सेड अजमिया, अजमिया ने कहा, ठीक है। उसने क्या कहा है कि अजमिया ने क्या कहा कि मैं अब भी नहीं समझी कि आपने क्या कहा है। द फैमिली, जो खानदान था, हैड अ लवली डे एट द ज़ू, कि इस खानदान ने चिड़ियाघर में अच्छा दिन गुजारा। द चिल्ड्रन, बच्चे, रोड ऑन एन एलिफेंट, इन्होंने हाथी पर सवारी भी की। दे हैड लंच इन अ कैफे बिसाइड अ लेक एंड वॉच द, और क्या किया उन्होंने कि उन्होंने वहाँ पे एक कैफे की, अपने कैफे के बाहर उन्होंने लंच भी किया है, और साथ में इन्होंने वॉच्ड, देखा भी है, पेलिकन्स को देखा है, माई खोरों को देखा है, एंड और फ्लेमिंगोस को भी इन्होंने दोनों ने देखा है, ठीक है। उन्होंने बाहर लंच किया और इन सबको भी देखा है। सुन जल्दी इट, ये वास था टाइम, वक्त टू गो होम, घर वापस जाने का, कि जल्द ही घर वापस जाने का टाइम हो गया। दे इन्होंने वॉक चले आउट बाहर ऑफ द एग्जिट गेट, फिर वो बाहर गेट की तरफ को निकले, यहाँ उसकी तरफ चल के गए, एंड हेडेड फॉर द कार पार्क, और फिर अपनी गाड़ी जहाँ पे खड़ी की थी उसकी तरफ बढ़े। मैनी अदर पीपल्स, और दूसरे भी बहुत से लोग वर थे लिविंग, रुखसत हो रहे एट द सेम टाइम, उसी वक्त कि बहुत से लोग इसी वक्त रुखसत हो रहे थे। सडनली अचानक मिस्टर खान स्टॉप, कि मिस्टर खान रुक गए, ठीक है। ही लुकड अप एट द स्काई, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। ही पॉइंटेड, उन्होंने इशारा किया, टू समथिंग फार, कि उन्होंने बहुत दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा किया। एंड और स्टार्टेड, शुरू हो गए मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, और उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, ठीक है। जब वो वापस जा रहे थे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिस्टर खान अचानक से रुक गए और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दूर इशारा करते हुए अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। ओ आ वाह वाह, ही क्राइड होपिंग फ्रॉम वन फुट टू द अदर, ठीक है। इस तरह की उन्होंने आवाज़ें निकाली हैं, वो एक टांग से दूसरी टांग पर उछलते हुए चिल्लाए। मिसिस खान, शमीर एंड अजमिया आर लुकड अप इन टू द स्काई, कि इन सब ने क्या किया है, सब ने आसमान पर इन्होंने भी देखना शुरू कर दिया है टू, इन्होंने भी। डू यू सी इट, क्या तुम्हें ये दिखाई देता है, मिस्टर खान, क्राइड मिस्टर खान, मिस्टर खान ने चिल्लाया। व्हाट, क्या, आस्क्ड द अदर्स, दूसरों ने पूछा। इट इट, ये रिप्लाइड, कहा, जवाब दिया मिस्टर खान इन एक्साइटमेंट, जोश भरे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। इस तस्वीर को देखें, हमें वैसे ही नज़र आ रहा है कि जब यहाँ पे कार्स पार्क किए हैं, सब आ रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टर खान क्या कर रहे हैं, आसमान की तरफ इशारा करते हुए चिल्ला रहे हैं और सारे लोग इकट्ठे हो गए उनकी तरफ, और जहाँ पे वो इशारा कर रहे हैं तो सारे उसी की तरफ देख रहे हैं।
सुन जल्द ही अ लार्ज क्राउड, एक बड़ा सा मजमा गैदर्ड इकट्ठा हो गया, कि जल्द ही एक बड़ा सा मजमा इकट्ठा हो गया। एवरीवन, हर कोई लुक्ड अप, देखना शुरू हो गया इन टू द स्काई, आसमान की तरफ, टू वेयर, कहाँ मिस्टर खान वाज पॉइंटिंग, जहाँ पर मिस्टर खान इशारा कर रहे थे उसकी तरफ देखना सब लोग शुरू हो गए। सम पीपल स्टार्टिंग शाउटिंग लाइक मिस्टर खान, सब कुछ लोगों ने मिस्टर खान की तरह चिल्लाने लगे। ओ आह वाह वाह, दे क्राइड एंड होपिंग अबाउट, ठीक है, कि उसकी तरह सारे क्या करना चले, उछलने कूदने लगे, हॉप्ड अबाउट, जैसे वो चिल्ला रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, वैसे लोगों ने उनकी तरफ देखे, वैसे ही करना शुरू कर दिया। मिस्टर खान स्टॉप्ड एट सडनली एज ही हैड स्टार्टेड, क्या क्या हुआ, वो अचानक से क्या हुआ, मिस्टर खान जैसे अचानक से शुरू हुए थे वैसे एकदम से वो भी रुक गए। ही कंटिन्यूड ऑन हिज वे टू द कार पार्क, वो गाड़ी खड़ी करने की जगह की तरफ भरने लगे। द फैमिली फॉलोड, और घर वालों ने उनके पीछे पीछे वो जाना शुरू हो गए। व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट, ये सब क्या चक्कर था, आस्क्ड अजमिया, अजमिया ने कहा। यस डैड, जी हाँ अबू, ये क्या था, सेड शमीर, शमीर ने भी कहा। व्हाट आर यू पॉइंटिंग एट, आप किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे। डिडंट यू सी इट, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आया, आस्क्ड मिस्टर खान ने कहा। नो नहीं, आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा, नहीं हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया। ह्यूमंस, इंसान, सेड मिस्टर खान, मिस्टर खान ने कहा। मैनी ऑफ द पीपल्स, के बहुत से लोग, हु जो स्टॉप्ड विद अस, सा व्हाट आई सा, कि बहुत से लोग जो हमारे साथ रुके, इन्होंने वो देखा जो मैंने देखा। दे शाउटेड जस्ट लाइक आई डिड, कि वो इसी तरह चिल्लाए जैसे मैं चिल्लाया। दे होप्ड, वो उसी तरह उछले या कूदे जिस तरह मैं किया, टू मैंने किया। बट मगर देयर वॉज नथिंग फॉर देम टू सी वॉज देयर, कि लेकिन इनके देखने के लिए कोई चीज़ ना थी, है ना। इसका मतलब कि वो जैसे पीछे प्रीवियस पेज में बात हुई है कि इंसान देखा देखी वही कुछ करते हैं जो लोग करते हैं, इसका अब इनको, ये इनका बेसिकली मिस्टर खान इनको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि लोग, हमने पीछे पढ़ा, लोग बाज़ औक़ात वो करते हैं जो उनकी समझ में नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग कर रहे होते हैं और वही उसी की कॉपी करते हैं। मंकी सी, बंदर देखता है, मंकी डू, बंदर करता है। क्राइड मिस्टर, मिसिस खान क्लैप्ड हर हैंड्स, मिस्टर खान, मिसिस खान ताली बजाते हुए चिल्लाई, ठीक है। द चिल्ड्रन लाफ्ड ऑल द वे होम, बच्चे घर जाते हुए सारा रास्ता हंसते गए, क्योंकि इनको समझ आ चुकी थी इस बात की। व्हाट, व्हेन दे गॉट होम दे क्राइड, जब वो घर पहुंचे तो वो चिल्लाए, थैंक यू मोम, अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू डैड, अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया, फॉर अ वंडरफुल डे, कि इस आपका शुक्रिया इस नहायत खूबसूरत दिन के लिए, ठीक है। अब समझ आ गया, मंकी वही करते हैं जो इंसान करते हैं, जो वो करते हैं, ठीक है, जो वो देखते हैं वही करते हैं, तो इंसान भी बाज़ूकात यही सब कुछ करते हैं। जब हमारी रीडिंग खत्म हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चंस करें, ताकि हमें आइडिया हो कि इनको कहां तक समझ आई है। नेक्स्ट यहां पे है कॉम्प्रिहेंशन, समझकर पढ़ना, जिसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, इसका आंसर लिखा हुआ, मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगी किस तरह आप शॉर्ट लिख के इसका दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेड 2 है तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट इसका आंसर राइट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट का डिड शमीर डू व्हेन ही वोक अप, कि जब शमीर सोकर उठा तो इसने क्या कहा या क्या किया, ठीक है। शमीर, शमीर ने टैप द बटन, किसने बटन को दबाया, ऑन हिज अलार्म क्लॉक, अपनी अलार्म वाली घड़ी का। रोल्ड ओवर एंड थॉट अबाउट गोइंग बैक टू स्लीप, कि इसने क्या की, करवट बदली और फिर सोने के बारे में सोचा। अभी हम इसका शॉर्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, जो कंप्लीट करना चाहिए कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। बेसिकली हमें इसमें पूछा जा रहा है कि जब शमीर सोकर उठा तो इसने क्या कहा, ठीक है, किसने क्या किया था बेसिकली, तो हम ये बता सकते हैं जब वो सोके उठा तो इसने क्या किया था, ही थॉट, इसने सोचा अबाउट गोइंग बैक टू स्लीप, कि इसने दोबारा सोने के बारे में इसने सोचा, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, सबसे पहले उसने क्या किया था, शमीर टैप्ड द बटन ऑन द हिज अलार्म क्लॉक, ठीक है, यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं। अगर स्टार्ट वाला देना चाहिए वो भी ठीक है, लास्ट से देना चाहिए वो भी ठीक है, अगर आप सारा करना चाहिए वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड शमीर गो डाउनस्टेयर्स स्लोली, क्या शमीर सीढ़ियों से नीचे आहिस्ता से गया था, तो क्या आहिस्ता से गया था, तो क्या हम कहेंगे नो, नहीं। दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड ही गो डाउनस्टेयर्स, तो वो किस तरह गया था, तो हम कहेंगे ही रेस्ड डाउनस्टेयर्स, कि वो क्या था, वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे गया, ठीक है, वो आहिस्ता से नहीं गया था, तो वो क्या था, तेजी से भागता हुआ नीचे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज शमीर ड्रेस्ड, कि शमीर ने क्या लिबास पहना हुआ था, शमीर वास वेयरिंग, इसने पहना हुआ था स्ट्राइप्ड पजामास, कि इसने दहारियों वाला पजामा पहना हुआ था, मतलब लाइंस बनी हुई थी, ठीक है, उस तरह का इसने पजामा पहना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था, वाई, क्यों डिड शमीर फादर से, कि शमीर के वालिद ने ये क्यों कहा, पीपल माइट मिस्टेक यू फॉर वन ऑफ देम, कि लोग तुम्हें गलती से इनमें से एक समझेंगे, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि शमीर्स पजामास बींग लाइक द स्ट्रेप्ड ऑन द ज़ेब्रा, क्योंकि
क्योंकि उसके फादर ने कहा था, ये जोक किया था, ठीक है, उसका मजाक करते हुए उन्होंने कहा था कि आपने क्या जो ज़ेब्रा है उसकी तरह की दहाड़ियों वाला पजामा पहना हुआ है, तो लोग क्या समझेंगे, उनमें से आपको एक समझेंगे और उसके केज के करीब मत जाना। इसी तरह बात हुई थी ना, तो हम इस तरह कह सकते हैं। अगर आप इससे मज़ीद लॉन्ग करना चाहिए क्वेश्चन वो भी कह सकते हैं आप, शमीर्स फादर्स वार्स मेकिंग अ जोक अबाउट द स्ट्राइप्स ऑन द शमीर्स पजामास बीइंग लाइक द स्ट्रिप्स ऑन अ ज़ेब्रा। अगर आप इसमें से शॉर्ट आंसर करना चाहिए इसी में से, तो इसका हम इस तरह देंगे, हम इस तरह कहेंगे कि हिज पजामास लाइक द स्ट्राइप्स ऑन अ ज़ेब्रा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट केयर डिड द फैमिली डू फर्स्ट इनसाइड द ज़ू, के जो फैमिली की थी चिड़ियाघर के अंदर सबसे पहले क्या इन्होंने किया। इसका हम इस तरह देंगे, दे वो वांटेड चाहते थे टू सी द मंकीज, के वो बंदरों को देखना चाहते थे। अगर आप कहीं, हम इस तरह भी इसका आंसर दे सकते हैं, दे सा द मंकीज, को उन्होंने सबसे पहले बंदरों को देखा, या फिर इस तरह भी हम कह सकते हैं कि वो बंदरों को देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास, व्हाट डिड शमीर टेल हिज फादर अबाउट द मंकी, कि शमीर ने बंदरों से मुतल्लिक अपने वालिद को क्या बताया। तो द बिग मंकी लुक्स लाइक हिम, उसने क्या कहा था, कि शमीर ने अपने वालिद को कहा था कि जो सबसे बड़ा बंदर है उसके जैसा दिखाई देता है, कि उन जैसा है वो, ठीक है, उसने भी जोक किया था अपने फादर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है, व्हाट डिड मिसेस खान फाइंड आउट अबाउट द मंकी, कि जो बेगम खान थी उसको बंदरों में कौन सी बात अजीब लगी, तो उसने क्या कहा था, द मंकीज कॉपी देम, कि ये जो बंदर हैं क्या करते हैं, उनकी नकल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एच है, हाउ डिड मिस्टर खान शो डैट समटाइम्स ह्यूमंस बिहेव लाइक मंकीज, कि मिस्टर खान ने किस तरह दिखाया कि बाज़ुकात इंसान बंदरों जैसा बर्ताव करते हैं। हम कोशिश करेंगे बच्चों से क्वेश्चन हम करें और जवाब उनसे लें, उन्होंने क्योंकि स्टोरी पढ़ी है, इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस स्टोरी की कहाँ तक समझ आए। तो लास्ट पे वो जो एग्जाम्पल की थी, ठीक है, मिस्टर खान ने, कि वो ऐसे आसमान की तरफ उसने इशारा किया और हंसना शुरू हो गया, तो बाकी लोगों ने भी ऐसे ही किया। तो बंदर ऐसे ही करते जो हम करते हैं, वो करना शुरू हो जाते हैं, तो लोग भी ह्यूमंस भी क्या मंकीज़ की तरह, मिस्टर खान ने जो किया लोगों ने भी किया, तो वो मंकी से उसको तशबीह दी गई है। तो इसका आंसर ये होगा, मिस्टर खान शोव्ड दैट समटाइम्स, कि जो उन्होंने जाहिर किया कि बाज़ दफ़ा ह्यूमंस जो इंसान होते हैं बिहेव लाइक मंकीज, कि वो बंदरों जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, बाय पॉइंटिंग, इशारा करते हुए टू द स्काई, आसमान की तरफ, एंड और मेकिंग नॉइजेज, और शोर करते हुए, अदर पीपल कॉपीड देम, और दूसरे लोगों ने भी शोर किया और उनका जिस तरह उन्होंने किया उनकी नकल की, ठीक है। इसका शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बाय पॉइंटिंग टू द स्काई एंड मेकिंग नॉइजेज एंड पीपल कॉपीड देम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चैलेंज में एक क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि कहानी का सबक क्या है, हाउ कैन वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ्स, और इस तरह हम किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कहेंगे, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डैट वी शुड थिंक बिफोर डूइंग समथिंग अदर आर डूइंग, कि यही कहानी का सबक है कि जो काम दूसरे करते हैं उसे करने से पहले हमें खुद को सोचना चाहिए, ठीक है। वी कैन यूज़ दिस इन आवर डेली लाइफ्स इन मैनी डेज, और इस तरह हम बहुत काम करते हैं जो कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम करते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल भी देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ आवर फ्रेंड्स, अगर हमारे दोस्त आर टीजिंग समवन, अगर वो किसी को तंग कर रहे हो, वी शुड नॉट कॉपी एंड ज्वाइन इन द टीजिंग, तो हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, उनके साथ तंग करने में शरीक नहीं होना चाहिए। इंस्टेड बजाय इसके, वी शुड स्टॉप देम फॉर डूइंग इट, इसके बजाय हमें इन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, वर्किंग विद लव्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना, रीड करिए द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली, गौर से नीचे दिए गए इन अल्फाज को पढ़िए, नोट दैट दे आर टू और थ्री सिलेबल्स वर्ड्स, कह रहे हैं कि यहाँ इसमें क्या है, टू या थ्री सिलेबल्स वर्ड्स हैं इन सब में, ठीक है। लर्न सीखिए टू स्पेल दैम, इन्हें इनके हिज्जे करना सीखिए, यूज़ दैम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, और फिर क्या करें, आपने क्या करना है, इनको अपने सेंटेंसेज में, मतलब इनको, इनके ऊपर जुमले बनाएंगे, इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वर्ड है मंकी, जिसके टू सिलेबल्स हैं, इसके ऊपर सेंटेंस हमने बनाया, आई हैव अ मंकी, ठीक है। नेक्स्ट है डोजिंग, अली इज़ डोजिंग, हम इस तरह भी कह सकते हैं, अली इज़ डोजिंग ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। पजामास, आई वॉज स्लीपिंग इन माई पजामास, स्क्रैम्बल्ड, ही वो स्क्रैम्बल्ड इन टू हिज क्लॉथ्स। नेक्स्ट है एग्जैक्टली, इट्स एग्जैक्टली फाइव पास्ट टाइम, ठीक है, हाफ पास्ट फाइव, टाइम का बताया जा रहा है। आप यहाँ पे इसके ऊपर चेंज भी कर सकते हैं, या फिर एक वर्ड के ऊपर आप टू टू थ्री थ्री या फाइव फाइव बच्चों से सेंटेंस मेकिंग करवा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाएं किस तरह हम वर्ड्स को मिला के एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना,
ठीक है, वी यूज दिस मार्क, ठीक है, यहाँ पे जो कॉमा लगा के एस लगाया जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब ही का की के होता है। अस्मास अ गुड गर्ल, ठीक है, अस्मा एक क्या अच्छी लड़की है, यहाँ पे देखिए कॉमा लगा के कहा गया है। इसी तरह चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स यूज, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जिसे हमें कहा गया है कि हम उसे चेंज करें, द फेस ऑफ द मंकी। ऑफ का मतलब यहाँ पे का की के है, ऑफ की जगह हम कॉमा लगा के एस लगा देंगे मंकी के साथ, उसका सेम यही मीनिंग हो जाएगा। द मंकीज फेस, बंदर का चेहरा, द फेस ऑफ द मंकी, बंदर का चेहरा, ठीक है। ऑफ को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, द वर्ड्स ऑफ मिस्टर खान, मिस्टर खान्स वर्ड्स, द गिगल्स ऑफ द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस गिगल्स, द पजामास ऑफ शमीर, शमीर्स पजामा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कॉमन क्लस्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हैं, देखें एस टी आर तीनों लेटर्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, यहाँ पे टी एच आर भी तीनों लेटर्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लस्टर्स बताए गए हैं एस टी आर के, यहाँ पे टी एच, बच्चों को हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस करवाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी, मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट भी कैसे करेंगे, लॉन्ग हमने कैसे करना है। हुज अलार्म साउंड, तो हम कहेंगे अलार्म ऑफ शमीर्स, हम कंप्लीट आंसर नहीं देंगे, ठीक है, अगर कंप्लीट करना चाहिए तो क्लॉक साउंडेड भी कह देंगे, अगर हम शॉर्ट, बस हमसे कहा जा रहा है कि जो क्लॉक अलार्म बजा था वो किसका बजा था, ठीक है, हमसे कहा जाएगा किसका अलार्म बजा, तो हम सिंपल कह देंगे अलार्म ऑफ शमीर्स, ठीक है, अलार्म ऑफ शमीर्स क्लॉक, बस। नेक्स्ट है हुज पजामास वर्ड स्ट्रिप्ड, शमीर्स पजामास, बस यहाँ तक आंसर देंगे। हुज वर्ड्स मेड अजमिया गिगल सम मोर, शमीर्स वर्ड्स। हुज फैमिली फेस मेड द मंकीज मेक फनी फेसेस टू, शमीर्स फनी फेस। हुज एक्शंस मेड द पीपल स्टॉप एंड कॉपी देम, मिस्टर खान्स वर्ड्स। नेक्स्ट है से व्हाट द फॉलोइंग स्टैंड फॉर देन वी यूज देम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यहाँ पे देखें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, ऊपर मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है, जैसे देखें यहाँ पे डोंट, ठीक है, डोंट क्या होता है, डू नॉट को हम कहते हैं, कुडंट कुड नॉट को कहते हैं, ठीक है, कांट कैन नॉट को कहते हैं, फिर इनको कहा गया है कि यूज देम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, कि इन वर्ड्स को फिर क्या करना है, हमने इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करनी है, इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है, वर्ड है, वो है आई, ठीक है, आई हैव को कहते हैं आई, ठीक है, आई हैव को कहते हैं, आई ईटन लंच। नेक्स्ट है कांट, कैन नॉट को कहते हैं, अली कांट स्विम, डोंट डू नॉट को कहते हैं, माई पेरेंट्स डोंट लाइक बनानास, एप्पल्स, कुछ भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कुडंट, कुड नॉट को कहते हैं, ही कुडंट पास द एग्जाम्स। नेक्स्ट हमारे पास है देयर्स, देयर इज को कहते हैं, There's nobody in the room. She's, ठीक है, she has को भी कहते हैं और she is को भी कहते हैं, दोनों के ऊपर सेंटेंस मेकिंग की गई है। She's drawing a picture. She's gone to sleep. ठीक है, इसका ये है she has का सेंटेंस है और ये she is का सेंटेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग द ग्रीटिंग टू द करेक्ट सेंटेंसेस, यहाँ पे खैर मदमी जो सेंटेंस है उनको करेक्ट सेंटेंस के साथ मिलाएंगे। At 8 AM When you wake up, तो वो क्या होती है, 8 बजे का, सुबह 8 बजे का कहा जा रहा है तो वो गुड मॉर्निंग होगी। यहाँ पे 9 बजे का टाइम है, ठीक है, रात के, जब हम when you go to the bed, मतलब जब सोने के लिए जाते हैं तो गुड नाइट होगा। At 1 PM when you go back in your classroom, तो वो गुड आफ्टरनून होगा। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, we usually write we are, they are, she is, फिर इनकी ही वही शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, बच्चों को हम बताएंगे इनको किस तरह हम प्रोनाउंस करते हैं और इनको इसके ऊपर हम बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट है योर टीचर विल टेल यू टू डू सम एक्शंस एंड आस्क क्वेश्चंस, गिव एग्जांपल यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन, यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी टीचर आपके कुछ काम करने को कहेंगी, आपसे सवाल पूछेगी, ऊपर दिए गए कलमात के इस्तेमाल करते हुए जवाब देना है, ठीक है, जो पीछे कहा गया ना, जो प्रीवियस कहा गया बच्चों को प्रैक्टिस उनको, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, वी आर, ठीक है, वी आर राइटिंग क्वेश्चंस, आगे हम कह सकते हैं व्हाई इज शी ईटिंग, ठीक है, व्हाई वो क्यों खा रही है, She is hungry, क्योंकि वो भूखी है, ठीक है। Where are you living? I'm living in Lahore, मैं लाहौर में ना, इसी तरह डिफरेंट बच्चे क्वेश्चन बच्चे बोल के इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है टॉक टू योर क्लासरूम क्लासमेट अबाउट व्हाट डू यू एट द फॉलोइंग टाइम्स ऑफ द डे, बच्चों हम टाइम की यहाँ पे क्लॉक के एक्टिविटी करा सकते हैं, किस तरह हम टाइम को देखते हैं, इसके ऊपर हम एक्टिविटी वर्क बच्चों से करवाएंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन तहरीर पोलाइट वर्ड्स शाइस्ता अल्फाज, मेक अ लिस्ट, एक फहरिस्त बनाएंगे ऑफ द पोलाइट वर्ड्स की, इसके ऊपर हम चार्ट बनवा सकते हैं, बच्चों की एक्टिविटी करा सकते हैं कि पोलाइट वर्ड्स में क्या आता है, सॉरी आता है, प्लीज आता है, थैंक यू आता है, ये सब, ठीक है, नीचे लिखे भी हुए हैं थैंक यू, ये सब, ठीक है। फिर कहा जा रहा है राइट अ शॉर्ट
ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर टीचर। आप क्या करें, अपनी टीचर, आप और अपने टीचर के दरमियान एक छोटी सी बातचीत के बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसे यूज पोलाइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हेयर आर सम वर्ड्स यू कैन यूज। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनको इस्तेमाल करेंगे। देखिए नीचे क्लास टीचर भी बताई गई है, एक बच्चा एंटर हो रहा है क्लास में, बाकी क्लास बैठी काम कर रही है। हम इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम कैसे अपना डायलॉग स्टार्ट करेंगे। यू मतलब आप, यहाँ पे नाम लिख लें, आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। मे आई कम इन मैडम, या टीचर भी कह सकते हैं, ठीक है, मैडम भी कर सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। टीचर ने कहा यस प्लीज़, जी बिल्कुल आप आ सकते हैं। यू थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका। टीचर ने क्या कहा, डोंट मैंशन इट, कि कोई बात नहीं, आप लेट आए क्लास में उसके बारे में बताएंगे। यू विल जो काइंडली राइट माई प्रेजेंस इन रोल कार, क्या आप मेरी प्रेजेंस लगा देंगे इन रोल कार में, ठीक है। टीचर तब तक क्या करेगी, राइट इन रोल कार, वो अपना रजिस्टर खोलेगी, आपके अटेंडेंस मार्क करेगी, फिर आप क्या कहेंगे, सॉरी मैडम आई एम रियली वेरी सॉरी, कि मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो लेट आया, ठीक है। टीचर ने कहा इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। यू थैंक यू अगेन, शुक्रिया आपका। टीचर ने कहा यू आर वेलकम, के ठीक है, ठीक है। इस तरह हम कोई भी डायलॉग इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर पेरेंट्स, अपने वालदैन के क्या करेंगे कि नाम शुक्रिया का एक कार्ड लिखेंगे। ड्रा अ पिक्चर ऑन द फ्रंट ऑफ योर कार्ड, आप एक अपने कार्ड के बाहर एक तस्वीर भी बनाएंगे। राइट अ शॉर्ट मैसेज इनसाइड, उसके अंदर आप छोटा सा कोई भी पैगाम राइट करेंगे। बच्चों से हम कार्ड बना लेंगे और कार्ड के अंदर क्या लिखना है वो हम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड केयर, के आपकी तमाम तर मोहब्बत और शफकत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यू ऑलवेज लुक आफ्टर मी, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दिस, और मैं हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहूँगी या फिर रहूँगा। इस तरह हम कार्ड बच्चों को बनाना सिखाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, बच्चों के स्कूल में करवाएं और जाके अपने घरों में अपने पेरेंट्स को ये कार्ड वगैरह दें। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।